पॉइंट पे टेंशन निकालना और टी क्यू पॉइंट पे टेंशन निकालना है, क्यू मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो कि पी पॉइंट पे टेंशन का मतलब क्या हुआ, है ना। तो इस पे थोड़ा काम करता हूँ, इसी पे थोड़ा सा वाइट कलर। हाँ सर देखो, इसमें टेंशन बोला तो ऊपर नीचे लगा, कहाँ से ऊपर लगे गया या नीचे। पहले टेंशन का मतलब समझ लो, पी पॉइंट पे टेंशन का मतलब क्या होगा। पी पॉइंट पे टेंशन का मतलब है, थोड़ा सा गैप इसमें दिखा दो तो समझ में आएगा, ठीक है। तो पी पॉइंट पे टेंशन का मतलब ये होगा कि जो ऊपर वाला मिड पॉइंट है, ये यानी मिड पॉइंट है, तो जो ऊपर वाली रोप है वो नीचे वाली रोप को ऊपर की तरफ पुल करेगी, यानी नीचे वाली रोप पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। और ऊपर वाली रोप पर ध्यान से देखना, ऊपर वाली रोप पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। आई थिंक थोड़ा और जूम करके दिखाना पड़ेगा, इससे मजा नहीं आ रहा। चलो बहुत ज़ूम हो गया ना, अब यहां से देखो तो समझ में आ गया। तो यहां पर ये इसके दो पोर्शन कर लिए, जहां पे टेंशन निकाला वहां पे दो पोर्शन कर लो, व्हाइट कलर लगा दिया ताकि दो पार्ट में डिवाइड हो। अब मेन चीज क्या है कि नीचे ऊपर वाली जो रूप है वो नीचे वाली रूप को ऊपर पुल कर रही है, ये फोर्स नीचे वाली रोप पे लग रहा है, तो ये टेंशन हो गया। ये मिड पॉइंट पे टेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर वाली नीचे वाली रोप, ऊपर वाली रोप को नीचे पुल करेगी, तो ये टेंशन, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं है, ये तो ऊपर एसेशन दिया ही हुआ है, तो एसेशन भी निकालना नहीं है, जी की वैल्यू दे रखी है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। अब इसी के ऊपर कर देता हूँ, अगर हम इसका फ्री बॉडी ले लें, मतलब ऊपर वाला पार्ट है आधे में, ऊपर वाला पार्ट वो नीचे वाले पार्ट को किधर पुल करेगा, ये खुद ही सोचना पड़ता है, ये लॉजिकल। ऊपर पुल ऊपर की तरफ पुल करेगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को नीचे, है ना। तो ये जो फोर्स है अपवर्ड टी वो नीचे वाले पोर्शन पे लग रहा है और डाउनवर्ड टी ऊपर वाले पोर्शन पे लग रहा है, बस ये देखना होता है। अब इसका ये चीज फ्री बॉडी बनाने में हेल्प करता है, तो अब मैं फ्री बॉडी बना लेता हूँ। तो अब मैं फ्री बॉडी ऊपर की तरफ का टेंशन लेके, तो अब जो फ्री बॉडी बनाऊंगा, ये फ्री बॉडी कितने पोर्शन की फ्री बॉडी है, ध्यान से देखो, ये इतने पोर्शन की फ्री बॉडी है। पूरे का 0.2 केजी है, इसका पूरा मास 0.2 केजी है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 3 केजी हो जाएगा। तो ये 3 केजी लिया है, इसका मतलब कितना पोर्शन, इसका वेट 33 जी नीचे की तरफ वर्क करेगा, जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है इसमें, तो फिलहाल 3 जी अभी ले लो ना, 3 जी लिख लो। और टेंशन अपवर्ड वर्क करेगा, तो आधी रोप लिए ना मैंने, पूरी नहीं ली है, रस्सी पूरी का ली है, रस्सी तो आधी ली है भाई, तो आधी रस्सी का मास कितना हो जाएगा, पूरी रस्सी का मास अगर 0.2 है तो आधी रस्सी का मास कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। तो टोटल वेट कितना है, 3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है, तो ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन है इसका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस हो गया, t की वैल्यू मिड पॉइंट पे आ जाएगी, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t माइनस 3 इनटू यहां पे 9.8 लेना, देखो 3 इसने जानबूझ कैसा दिया ना, 9.8 देखो कैलकुलेशन इसकी इजी करने के लिए इसने जानबूझ के 9.8 दिया है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि 9.8 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 10, इधर ऐड करोगे तो 13, 10 दे तो भी इजी हो जाएगा,
13 न्यूटन और तो भी इजी रहेगा, मगर 9.8 स्पेशली इसने लिया है ताकि इजी कैलकुलेशन है, अदरवाइज कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है तो 9.8 को लोग नहीं देते। उसके बाद तो दूसरा पोर्शन तो बहुत आसान है कि Q पॉइंट पे टेंशन निकालना है, वो तो शायद रोप भी नहीं है, रोप तो ये वाली है, सर वो 15 न्यूटन है, खत्म। हां वो 15 न्यूटन, तो एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट और बचा है, उसमें इसको फ्री बॉडी ले लेते हैं। अब इसको फ्री बॉडी, अब इधर तो ऊपर तो रोप है नहीं, तो मैं इसको फ्री बॉडी, नीचे वाले का 30 आ रहा है, ऊपर और 2 केजी है तो 20 वो प्लस करते हैं, तो टोटल को सिस्टम लेना है, तो 2.9 और 0.2 अब पूरा लोगे 5 केजी है ना, तो टेंशन ऊपर कैसे आया, क्या रहा है ना, क्या हुआ यहाँ पे, तो ये तो स्ट्रिंग है, ये तो पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ पुल करेगा, स्ट्रिंग इस सिस्टम को ऊपर की तरफ पुल करेगा, है ना। तो अब मैंने जो फ्री बॉडी लिया है वो इस पूरे ब्लू वाले सिस्टम का लिया है, ऊपर की तरफ होगा, तो ऑब्वियसली इसमें तो जो स्ट्रिंग है वो इस पूरे सिस्टम को अपवर्ड पुल करेगी, तो क्यू पे टेंशन अपवर्ड होगा, क्यू पे टेंशन अपवर्ड होगा, टी क्यू विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमने मिड पॉइंट पे निकाला था, इसको भले टीपी लिख दो, है ना, तो सही रहेगा, टीपी लिख दो तो वो थोड़ा अच्छा लग गया दिखने में, टीपी टीपी लिख दिया और इसको मैंने टीक्यू लिख दिया, सिस्टम ले लिया मतलब इंटरनल फोर्सेस में तो चला जाएगा ना, हां पूरा सिस्टम ले लिया मतलब इंटरनल वाला जो भी है, हां इंटरनल वाला कुछ नहीं होगा, अब टोटल का मास लेना है, 3.1 हो गया, 3.1 और 1.9 तो 5 हो गया ना, 5 kg तो और आसान 15 न्यूटन, तो टोटल जो वेट है वो 5g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अभी जी ले लेते हैं, जी के लिए 9.8, अब ये एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 0.2 से, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, नाउ अप करते हैं, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लगाओ कहीं भी लिख दो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, इसके नीचे ही लिखता हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, 5g = 5.0, तो नेट फोर्स कितना है, TQ माइनस 5g, 5g मतलब 5 into 9.8 ले लो, yes, sir. और मास की वैल्यू टोटल हो जाएगी 5 kg, 5 into 0.2 हो जाएगा 15 न्यूटन, तो ये टेंशन एट क्यू है, ठीक है, 9.8 और 0.2 10 हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा, तो यहाँ भी कैलकुलेशन